ट्वेंटी वन डेज चैलेंज कुछ होता भी है इन चैलेंजेस से हम्म जो जो लोग ये कहना चाहते हैं ना मेरा रिप्लाई है कभी किया भी है ऐसा चैलेंज अरे लेकर तो देखिए हम तो चाहते हैं कि आप हमें चैलेंज करें चेक करें कि प्रेरणा ने सही कहा था कि नहीं अगर आपने तीन वीक्स आज के चैलेंज को डिवोट कर दिए तो आई प्रोमिस यू कि आपकी स्किन वन ऑफ इट्स काइंड और हेल्दी हो जाएगी और आप काफी खुश हो जाएंगे टू ऑल दो पीपल जो भी बोलने वाले हैं आप तो रिंगलाइट के आगे बैठे हो आप हमें कैसे बोल रहे हो यह लीजिए ये है हम विदाउट द रिंग लाइट मैंने शाम के समय पर सनस्क्रीन का एप्लीकेशन किया था मेरी स्किन पर बहुत सारा ऑयल आया हुआ है आई एम नॉट सेइंग इट इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड परफेक्ट लेकिन येस आई एम वेटी हैप्पी विद माय स्किन तो मैंने सोचा कि मैं अपना कॉन्फिडेंस अपने परिवार के साथ शेयर कर सकूं तो आइए जानते हैं कि कौन सा चैलेंज आपको लेना है इक्कीस दिन लगातार इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है जी हाँ रेगुलरिटी और डिसिप्लिन अगर इसके साथ आपने इस रेमेडी को कर लिया तो आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत सारा हेफ्टी अमाउंट किसी टोनर या मिस्ट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप अपनी स्किन को एक नई वाइब्रेंस दे सकते हैं सो रेडी एवरीबडी आइए जानते हैं वॉट ऑल नीड्स टू बी डन आई एम इनफ आई एम पावरफुल आई एम द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी बोलकर देखिए जी नहीं मेरी आवाज में नहीं अपनी आवाज में अपने कानों तक इस बात को पहुंचाइए क्या किसी सकारात्मक किरण ने आपको टच किया किया ना तो बस एक बड़ी सी स्माइल दीजिए और आगे के जो समय है अभी तक जैसा भी दिन गया गया आगे का समय एकदम पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट कीजिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर मेरा नाम है प्रेरणा चैनल का नाम प्रीति प्रेरणा पहली बार आ रहे हैं तो एनर्जी तो आप तक ट्रैवल कर ही चुकी होगी बस उसका इस्तेमाल कीजिए और नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और इस खूबसूरत से परिवार का हिस्सा हो जाइए यहाँ पर मैं बहुत ही मैजिकल चीजें शेयर करती हूँ जिसका इस्तेमाल करके मेरा परिवार बहुत खुश है और आज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप देख भी लेंगे कम ऑन फैमिली नीचे लिखकर बताइए किस किस ने डीआर टोनर अपने लिए इस्तेमाल किया है और क्या आपके रिजल्ट्स रहे कैसा आपने कितने बैचेस बनाए हैं ये सारी बातें नीचे शेयर कीजिए और जो परिवार से नए लोग जुड़े हैं उनको बताइए एंड टू ऑल द नए लोग मैं आपको बताना चाहती हूँ यू आर गोइंग टू बी बैफिल्ड इसीलिए आराम से धैर्य के साथ सारे कॉमेंट्स रीड कीजिए एंड एन्जॉय योर आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूं एक बेहतरीन सा डू इट योर सेल्फ टोनर जो कि आप घर पर बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके स्किन पर मौजूद किसी भी तरह की परेशानी भले करंट एक्न एंड पिम्पल्स आपके चेहरे पर हैं या ठीक हो चुके हैं उनके मार्क्स हैं पिगमेंटेशन है किसी भी तरह के ओपन पोर्स से इशू से आप डील कर रहे हैं कुछ भी परेशानी आपके चेहरे पर करंटली मौजूद है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि टोनर होता क्या है जैसा कि ये नाम है टोनर ये आपकी स्किन को टोन करता है अब मेरी तो ऑयली स्किन है मेरी ड्राई स्किन है दोनों को कैसे टोन करेगा जी हां यही इसका मैजिक है कि आपका स्किन टोन चाहे कोई भी हो ये आपकी स्किन टोन को उसके नेचुरल सेल्फ तक पहुंचाता है वो जो आपकी स्किन कभी कभी भूल जाती है ना उठ सा बिहेव करती है बस उसको ट्रैक पर ले आता है कि आप सही तरीके से बिहेव कीजिए अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है आप इस टोनर का इस्तेमाल कीजिए अगर आपकी स्किन अन बहुत ड्राई होती जा रही है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही है आप कुछ समय के लिए इस टोनर का इस्तेमाल कीजिए एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो टोनर है ये आपकी स्किन को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो खुद को हील कर पाती है जी हाँ अगर आपको लगता है कि टोनर्स मैजिकल होते हैं क्रीम्स एंड सीरम्स मैजिकल होते हैं टनली मिस्टेक क्योंकि आपकी स्किन इतनी इंटेलिजेंट होती है ना हमारी ह्यूमन बॉडी इंटेलिजेंट है कि वो खुद को ही है सही खान पान देना होता है सही एनर्जी देनी होती है एंड इट हैज एबिलिटी की वो खुद को फिक्स कर सकती है तो बस ये टोनर वही एबिलिटी है जो आप अपनी स्किन को प्रोवाइड करेंगे गॉटेट सबको समझ में आ चुका है कि हर स्किन टाइप के लिए है बहुत सिंपल है घर पर प्रिपेयर हो जाएगा और इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको प्रिपरेशन के बाद बताती हूं तो प्लीज ध्यान से पहले प्रिपरेशन को समझिए और फिर एप्लीकेशन को फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ दिस टोनर आपको एक पैन चाहिए और इसमें टू कप्स ऑफ वाटर चाहिए इस पानी को आप अच्छे से बॉयल कर लीजिए प्लीज मेक श्योर कि ये पीने वाला पानी होना चाहिए आप टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हालांकि हम यहाँ पर बॉइल कर रहे हैं लेकिन फिर भी जहां पर हार्ड वाटर होता है वहां सॉल्ट जो होते हैं वो इवेपोरेट नहीं होते हैं इसीलिए आप पीने वाले पानी का इस्तेमाल कीजिए जब ये पानी अच्छे से खोल जाए इसमें आपको लेना है आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड दैट इज ग्रीन टी अगर आपके पास सैशेज हैं तो आप सैशेस को कट करके वो वाला इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपके पास ड्राइड ग्रीन लीव्स पड़ी हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम दो कप पानी में आपको अप्रॉक्सीमेटली दो बड़े चम्मच ग्रीन टी लीव्स लेनी है अगर सैशेज हैं तो आप तीन से चार सैशेज का ग्रीन टी को एक्सट्रैक्ट करके और उसको पानी में ले सकते हैं डन ये जो ग्रीन टी लीव्स हैं ये अपने बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स, अपने बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स इस पानी में रिलीज करेंगे लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी है इसीलिए इस पानी को हमें खिटाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा जिसके लिए आप इसको अच्छे से बॉईल करेंगे ढक देंगे और तब तक इसको बॉयल करते रहेंगे जब तक ये अप्रॉक्सीमेटली आधा कप ना रह जाए जी हाँ बस इतना ही हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीन लीव्स का डिकॉक्शन हमें चाहिए जैसे ही आपका डिकॉक्शन बनकर रेडी हो जाए आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए जब ये ठंडा हो जाए इसमें आपको लेना है अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट एंड दैट इज टी ट्री एसेंशियल ऑयल इसके बारे में मैं एक डिवोटेड वीडियो कर चुकी हूं अगर आप सुनना चाहते हैं इसके बेनिफिट्स इसके यूजेज कैसे बनता है एंड एवरीथिंग अराउंड इट तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं अदरवाइज जो बिलीव करते हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहां पर आपको लेने हैं चार से पांच ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल टी ट्री ऑयल इज एवरीथिंग फॉर ऑयली स्किन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जो डिकॉक्शन प्रिपेयर किया है उसमें इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं टी ट्री ऑयल इज वन ऑफ इट स्काइन फॉर एंटाईक्सीडेंट्स और आपकी स्किन के लिए गजब के रिजल्ट दे सकता है इफ इट इज ऑयली अगर आपकी यू नो ड्राई स्किन है तो आप लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन कैसी है कॉम्बिनेशन है या यू you नो know, अलग अलग तरीक़ों से बिहेव करती है तो आप रोज एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स गुड फॉर द फ्रेग्रेंस ऑल्सो बहुत प्यारी खुशबू आती है और लिटरली दिल करता है कि बार बार इस टोनर का इस्तेमाल किया जाए एंड इट्स सेफ इट्स एप्सल्यूटली सेफ अच्छे से स्टर कर लीजिए अगर आपके पास रोज एसेंशियल ऑयल है तो आप वो भी इसमें ले सकते हैं टू एसेंशियल ऑयल्स टुगेदर इज जस्ट फाइन बट नॉट मोर देन दैट कुछ लोग होते हैं कि हमारे पास पांच एसेंशियल ऑयल है हम पांचों डाल रहे हैं वो नहीं करना है एक आपकी स्किन के रिक्विजिक के हिसाब से और एक आप खुशबू के लिए या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऐसा आप कर सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अच्छे से आप इसको स्टर कर लीजिए स्प्रे बॉटल में आपने इसको ले लिया है अच्छे से शेक कर लीजिए एंड आपका ब्यूटिफुल सा टोनर बनकर रेडी हो चुका है जी हाँ इट्स दैट सिंपल अगर आप किसी भी तरीके से इसमें और चीज़ें एड आड़ ऑन करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली वेरी करेंगे इसमें कोई दो राहें नहीं है ये बहुत ही सिंपल है देखिए आपने कि सिर्फ दो या तीन इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इट्स रेडी तो बस इतना पावरफुल ये टोनर है कि जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं धीरे धीरे आपकी स्किन अपनी नॉर्मल यू नो जैसा भी उसका टेक्सचर है उसको अचीव करने लग जाती है कई लोगों की स्किन बिकॉज ऑफ मेकअप का यूजेज या किसी भी तरीके से टेक्स्चर लूज करने लग जाती है बहुत पोल्यूशन में जाते हैं बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है या कुछ भी रीजन हो सकता है ये टोनर आपको हेल्प करेगा टू गेट बैक ऑन ट्रैक दैट आई कैन अश्योर यूज कैसे करना है फॉर एप्लीकेशन आप जितनी बार भी फेस वॉश कर रहे हैं आपने फेस वॉश किया है सिर्फ पानी से नहीं अगर आपने यू नो फेस वॉश का इस्तेमाल किया है साबुन जो भी होता है डिनोमिनेशन उससे अपने चेहरे को वॉश किया है जब आप उसको मतलब चेहरा अच्छे से धो लेंगे वाइप ऑफ कर लेंगे सीधा आप इस टोनर का इस्तेमाल कर लीजिए ये टोनर आपकी स्किन को टोन करता है दैट दे हैव टू यू नो जो सिबेशियस ग्लैंस है उनको रिलैक्स करता है कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करना जो एक्ने पिंपल्स हैं उनको रिलैक्स करता है कि भाई ज्यादा ब्रेकिंग आउट जो नो वो जो पस पिंपल्स बन जाते हैं वो चीज नहीं होगी और ग्रेजुअली आपकी स्किन का टेक्सचर बेटर ऑफ होगा तो ये सारी परेशानियां अपने आप चली जाएंगी ये जो एंटी का टोनर हमने प्रिपेयर किया है आपकी स्किन पर हम लगा रहे हैं जितने भी साइंस ऑफ एजिंग होते हैं फाइन लाइंस होते हैं रिंकल्स होते हैं पिगमेंटेशन इश्यूज आने लग जाते हैं डार्क स्पॉट्स होने लग जाते हैं उन पर यह काम शुरू करता है बिलीव मी इस टोनर को लेकर मेरे पास इतने सारे रिजल्ट्स हैं जो कि अभी मुझे नहीं मिलेंगे एम प्रिटी श्योर बिकॉज जब भी मैं सोचती हूं कि मैं कुछ आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट करूं तो इतने सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आई रियली क्यू नॉट यू नो सॉर्ट देम आउट अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली एड ऑन करूंगी बट मैं आपको बता रही हूँ दैट मुझे इतने सारे मैसेजेस मिले किसी का पिगमेंटेशन क्योर हो गया किसी के डार्क स्पॉट्स क्योर हो गए किसी के एक्ने पिंपल्स यू नो ठीक हो गए किसी का स्किन टेक्स्चर काफ़ी वापस आ चुका है सो ऑल इन ऑल ये काफ़ी वर्सेटाइल वे में काम किया है बहुत सारे लोगों के लिए इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को फिर से यू नो रिवाइज कराया जाए कि जिन्होंने यूज़ किया है वो इसका यू नो रेगुलर यूज करते रहें कोई परेशानी नहीं है आप इसको लगातार यूज कर सकते हैं अगर आपको दिल करता है यू नो समाइम्स कि नहीं बाहर कुछ नया मिस्ट आया है मार्केट में एक नया टोनर आया है हम उसे यूज करना चाहते हैं बिल्कुल यूज कीजिए लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप डी और मार्केट बेस्ड का एक सही बैलेंस बना रहे हैं आपको बिल्कुल ही ऑल द टाइम मार्केट बेस्ड या ऑल द टाइम डी की जरूरत नहीं है आप बैलेंस आउट कर सकते हैं समटाइम्स डी आई वाई समटाइम दिस एंड दैट तो एब्सिल्यूटली गो फॉर इट हमें हर चीज़ इन्जॉय करनी है अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए फ्यू क्वेश्चन इरा द टोनर क्या बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए अगर आप बच्चों को टोनर इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो प्लीज़ एसेंशियल ऑयल हटा दीजिए बिकॉज एसेंशियल ऑयल इज नॉट गुड फॉर बच्चों की स्किन बिकॉज वो अभी बन रही होती है इट हैज़ नॉट अटेंड कि वो ऑयली हो होने होगी या जैसा भी है तो प्लीज़ एसेंशियल ऑयल से उन्हें दूर रखिए आप एसेंशियल ऑयल की जगह गुलाब जल उसमें डाल दीजिए तब बच्चों को दे दीजिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम शेल्फ लाइफ क्या है देखिए इसमें आपने एसेंशियल ऑयल डाला है तो ये वीक्स टुगेदर दो से तीन हफ्ते आराम से रह सकता है बाहर रूम टेम्परेचर पे लेकिन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कहीं बहुत गर्मी है कहीं बहुत यू नो मॉडरेट है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट लेकिन अगर नहीं रख सकते हैं तो टू वीक्स आराम से चला सकते हैं आप इसको थोड़ा सा यू नो कोल्ड एंड डार्क प्लेस पे रखेंगे तो इट विल बी बेटर एंड यस बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं है थोड़ा नीट रखिएगा यू नो इट शुड बी It should not बी टच एनी साइड इफेक्ट नथिंग दैट आई कैन पॉइंट लेकिन हाँ कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और यहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स की बात हो रही है तो आप एक पैच टेस्ट ले सकते हैं पैच टेस्ट सब लोग पूछते हैं कैसे लेते हैं आप कान के पीछे यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और रहने देते हैं फॉर अ डे और फिर चेक करते हैं कि वहां कोई रैश या रेडनेस तो नहीं हुई अगर नहीं हुई है तो आप एलर्जिक नहीं है कंग्रेचुलेशन आप यूज कर सकते हैं आई एम सुपर एक्साइटेड कि इक्कीस दिनों के बाद वापस आके आप क्या क्या नीचे लिखने वाले हैं नेगेटिव तो कोई नहीं लिख पाएगा आई एम श्योर बिकॉज ये हर स्किन टाइप के लिए कमाल कर चुका है ऑलरेडी यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद योर स्किन एंड अल्टीमेटली विद मी ऑब्वियसली तो आप uh, मेरा रिवर्ट पहले so ही सुन लीजिए आई लव यू मोर थैंक यू सो वेरी मच उन सभी लोगों को जो चैनल पर जल्दी से आ जाते हैं जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आई हैव स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर यू बिलीव मी थैंक यू सो वेरी मच जिस तरह का प्यार जिस तरह का आशीर्वाद आप लोग चैनल पर दिखा रहे हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन थैंक यू सो वेरी मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही अपना बहुत सारा प्यार मुझे देते रहिए और मैं कमाल की रेमेडीज आपके लिए यहाँ पर लेकर आती रहूंगी हमेशा की तरह नहीं हमेशा की तरह नहीं थोड़ा सा ज्यादा आशा कर रही हूँ कि आज की प्रेजेंटेशन मेरे परिवार को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है आपने इसको बहुत सारा प्यार देना है तो नीचे तो सिर्फ लाइक का ऑप्शन है आप लाइक कर दीजिए ऑल दोज पीपल जो चैनल को हेल्प करना चाहते हैं मुझे हेल्प करना चाहते हैं मॉनिटरी टर्म्स आपको नीचे सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है आप उसको अवेल कर सकते हैं टू ऑल दोज पीपल जिनकी फ्रेंड्स में या फैमिली सर्कल में कोई है जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है आप उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दीज आर सिंपल वेज कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में मुझे ग्रो करने में मुझे थोड़ा सा यू नो प्रेरणा को प्रेरणा दे सकते हैं तो प्लीज डू दैट एंड uh, मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर स्किन एंड हेल्थ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रीना के सभी चैनल से जुड़े रहिए जी हाँ और भी हैं क्यों सब्सक्राइब नहीं किया है गो एंड डू इट आई लव यू ऑल आई सी यू इन द नेक्स्ट वन टेक केयर